अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं शाही हलीम मिक्स बनाने जा रही हूँ, तो आइए मैं आपको उसके इंग्रेडिएंट दिखाती हूँ कि ये रेडी टू कुक हलीम कैसे तैयार होता है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले देखें, हम ये गाय का गोश्त लिया है मैंने, जो हड्डी वाला है। आप चाहें तो मटन भी ले सकते हैं और आप चिकन भी ले सकते हैं। हमें इसमें चाहिए होगा 1 कप तेल, और हमें इसमें चाहिए होंगी 2 छोटी प्याज। मेरे पास छोटी थी तो मैंने 2 ली हैं, अगर आप लोगों के पास बड़ी हो तो आप 1 ले लीजिएगा। 1 क्यूब का पैकेट चाहिए हमें। और हलीम, आइए देखते हैं इस हलीम के पैकेट में से क्या क्या चीजें मिलती हैं। हमारे पास एक ये शान का छोटा पैकेट निकला है जिसमें तमाम स्पाइसेस मौजूद हैं, और एक ये बड़ा पैकेट निकला है, इसमें तमाम ग्रेन्स मौजूद हैं, गेहूं और तमाम दालें वगैरह। तो आइए हम देखते हैं। मैंने यहाँ पे कुकर लिया है, अगर आपके पास कुकर मौजूद ना हो तो आप कोई पतीली भी ले सकते हैं। अब हम इस कुकर में शामिल करेंगे, जो हमने 1 कप तेल लिया था उसको शामिल करेंगे। मैं सारा इसलिए, पैकेट में जो है वो लिखा हुआ है कि आप आधा पैकेट तेल, आधा कप तेल शामिल करें और उसके बाद उसमें गोश्त शामिल करके पकाएं, लेकिन मैं पूरा शामिल कर रही हूँ क्योंकि उसमें अलग से उन्होंने प्याज को ग्राइंड किया, फ्राई किया है, लेकिन मैं जो है इसके साथ ही प्याज को फ्राई कर लूंगी, इसीलिए मैंने इसमें पूरा ऑयल डाल दिया है। ठीक है, आइए देखते हैं। ये मैंने प्याज जो मैंने 2 रखी थी वो मैंने काट ली हैं, मैंने ऑयल इस पैन में ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें प्याज ऐड करने जा रही हूँ। आप देख सकते हैं ऑयल थोड़ा गर्म था जिसकी वजह से ये प्याज थोड़ी बबल्स आना शुरू हो गए। ठीक है, ये देखें, ये प्याज जब हल्की ब्राउन हो जाएगी, इसको आप उसमें पैकेट में ये लिखा, ये देखें अभी हमारी प्याज मुकम्मल तौर पर ब्राउन हो गई है। अब मैं इसमें गोश्त को ऐड करके, ये देखिए मैंने इसमें गोश्त को ऐड कर लिया है। अब मैं इसे थोड़ा सा भूनूंगी, और यहाँ पर मैंने इसमें मैं लहसुन अदरक शामिल करूँगी, पैकेट में नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैंने ये 1 बड़ा भर के लहसुन टेबल स्पून और 1 बड़ा भर के अदरक का 1 टेबल स्पून लिया है जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इससे जो है लहसुन में शामिल करने से गोश्त के अंदर में जो हीट होती है वो खत्म हो जाती है। ये देखिए मैंने गोश्त को थोड़ा सा लहसुन अदरक के साथ अच्छे से भून लिया है। अब मैं इसमें ये शान का जो स्पाइसेस का पैकेट था उसको ऐड कर रही हूँ। ये मैंने पूरा ऐड कर दिया, ये बहुत स्पाइसी होता है। अगर आप चाहें तो इसमें कम स्पाइस खाते हो आप लोग तो इसमें से आप थोड़ा सा निकाल भी सकते हैं, लेकिन मैं अच्छा स्पाइसी पसंद करती हूँ, मेरे घर में भी स्पाइसी पसंद किया जाता है, तो मैंने इसमें पूरा पैकेट ऐड किया है। ये देखिए ये मैंने इसको अच्छे से गोश्त को भून लिया है। अब मैं इसमें तकरीबन 4 गिलास के करीब पानी डालूंगी। ये मैंने 4 गिलास पानी लिया है नाप के, आप अगर कप से डालें तो 15 कप डालिएगा। मैंने 4 गिलास पानी लिया है और अब ये पानी मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ। ये देखिए ये मैंने पूरा पानी इसमें ऐड कर दिया है, 4 गिलास करीब ये पानी है, और इसको मैंने थोड़ा सा चला दिया है। मैंने अभी नमक नहीं डाला है क्योंकि मसाले में ऑलरेडी नमक मौजूद होता है, अगर मुझे कम लगा तो फिर मैं इस बाद में नमक ऐड कर दूँ, लेकिन अभी मैंने नमक नहीं डाला है। तो आइए हम इसको कुकर को मैं बंद करके तो आइए अब मैं इस कुकर को बंद करती हूँ और देखिए कि इसके बाद जब ये गोश्त गल जाता है तो कैसी शक्ल आती है। तो आइए हम कुकर को बंद कर, ये देखिए ये गोश्त बिल्कुल गल चुका है। अब मैं इस गोश्त को अलग निकाल लूंगी, इसमें डालूंगी और फिर इसमें दाल ऐड करके दाल को बॉईल करने के लिए रखूंगी। तो मैं आती हूँ थोड़ी देर में दाल को बॉईल करके रखने के बाद। ये देखें अब मैंने इसमें जो है ये दाल शामिल कर दी है, ये इसमें मैंने दाल शामिल करके और थोड़ा सा पानी और ऐड किया है कि दाल पूरी इसी में गल जाए, और इसमें मैंने वो जो क्यूब था वो इस क्यूब अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, और अब मैं इसको बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। ये देखिए मैंने बिल्कुल रेशा रेशा कर लिया है, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा चॉप भी करूँगी ताकि जो बोटियाँ हैं थोड़ी सी और बारीक हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, ये देखिए ये मैंने जो मैंने गोश्त की रेशे किए था वो मैंने ये दाल में मिला के इसको खूब अच्छे से, मेरे पास एक हैंड ब्लेंडर था उससे हल्का सा इस पूरे हलीम को ब्लेंड कर लिया है। ठीक है, तो उसकी इसकी ये शक्ल निकल आई, बहुत ज़्यादा थिक हो गया है। अब मैं इसको इस पतीली में ट्रांसफ़र करूंगी और इसमें थोड़ा सा इसको पतला करने के लिए इसमें पानी डालूंगी। पानी डालने के बाद जो है मैं इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी, और 1 घंटे के बाद जब ये पक के तैयार होगा तो इंशाल्लाह मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी कि ये कैसा दिखता है और खाने में कैसा है।
देखिए, इसको मैंने पतीली में पलट लिया है और अब ये मैंने इसमें पानी मिलाया है। जितना मुझे इसको पतला रखना था उतना मैंने इसको पानी मिलाकर और इसको तेज आंच पे दम देने के लिए रख दिया है। जब इसमें हल्की एक बॉईल आ जाएगा फिर मैं बिल्कुल स्लो आंच करके इसको आधे घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी बिल्कुल। तो फिर ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा तो फिर मैं इसको गार्निश करके आपको दिखाऊंगी। ये हलीम के बिल्कुल, ये देखें, ये हलीम की बिल्कुल फाइनल लुक हो गई है। मैंने चूल्हा बिल्कुल बिल्कुल अब बंद कर दिया है और मैंने ये इससे अपने हलीम को थोड़ा सा अच्छे से घोटा है ताकि इसमें जो गोश्त अगर वो हो थोड़ा रेशा तो सही से मिल जाए। देखें, अब मैं इसमें ये पुदीना और थोड़ा सा गरम मसाला 1½ टेबल स्पून के करीब गरम मसाला पिसा हुआ ये ऐड करूंगी। ये देखिए, ये मेरे हलीम की फाइनल लुक है। कैसा लग रहा है आपको? उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट में जरूर मुझे बताइएगा और लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलें, अब मैं नेक्स्ट में आप अपनी अगली रेसिपी के साथ या अपने अगली टोटके के साथ आपके पास जरूर हाजिर होंगी।